डियर स्टूडेंट्स, आज हम टेक्सटाइल प्रिंटिंग कोर्स का एक टॉपिक स्टाइल्स ऑफ प्रिंटिंग देखते हैं। सो व्हाट इज स्टाइल्स ऑफ प्रिंटिंग, इस पे बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज प्रिंटिंग। ये पहले भी बताया गया है, प्रिंटिंग इज अ लोकलाइज्ड कलरेशन ऑन फैब्रिक, यानी किसी एक निश्चित जगह पर ही कलर को अगर अप्लाई करना है तो उसको हम कहेंगे प्रिंटिंग। डाइंग में हम पूरे पूरे फैब्रिक को कलर कर देते हैं, लेकिन प्रिंटिंग के केस में हमें थोड़ी सी जगह पर, या जैसे फ्लावर है या कोई भी मोटिफ में, सिर्फ उतनी दूर ही कलर चाहिए होता है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है लोकलाइज प्रिंट करने का, या कुछ जगह पर प्रिंट करने का, कुछ जगह प्रिंट नहीं करने का, इसको इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, इसको प्राप्त करने के लिए हमारे पास कुछ तरीके हैं, कुछ स्टाइल्स हैं। उन स्टाइल्स के बारे में हम देख लेते हैं, उन्हीं को हम बेसिक स्टाइल्स ऑफ प्रिंटिंग कहते हैं। तो तीन बेसिक स्टाइल्स हैं प्रिंटिंग के। एक है डायरेक्ट स्टाइल, सीधा सीधा। एक रेजिस्ट स्टाइल, यानी प्रतिरोध करने वाला, जो कुछ रोकता है। और डिस्चार्ज स्टाइल, डिस्चार्ज मतलब कुछ हो गया है और उसको फिर वहां से हटा दिया गया। सो व्हाइट डिस्चार्ज एंड कलर डिस्चार्ज, इनके बारे में डिटेल में आगे देखेंगे हम लोग। सो डायरेक्ट स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग क्या है, जिसमें ये स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्क है, यानी जहां पे कलर चाहिए वहां पर वो कलर आप ले जाके अप्लाई कर दीजिए। जो भी लोकेशन है, जो भी फ्लावर है, उस पर आपको कलर चाहिए, आप डायरेक्टली उस जगह पर वो कलर को अप्लाई कर दिया गया। यही सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, हम इसको ही ज़्यादातर देखते भी हैं। आपकी बुक्स, कॉपीज सब इसी तरीके से, या कंप्यूटर के प्रिंट आउट, सब डायरेक्ट स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग में गिने जाएंगे। इसमें जनरली बैकग्राउंड वाइट होता है या लाइट कलर होता है। अगर लाइट कलर है तो फैब्रिक को पहले डाई करना पड़ेगा, और वाइट है तो प्लेन फैब्रिक हम ले सकते हैं। इसमें मोटिव्स सिंगल कलर भी हो सकते हैं, मल्टी कलर भी हो सकते हैं। जहाँ जो कलर चाहिए वो कलर हम वहाँ पर प्रिंट करेंगे। और ये सिंपलेस्ट स्टाइल है प्रिंटिंग का, और सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल है, क्योंकि इसमें प्रोसेस थोड़ा सा छोटा होता है। तो इसके लिए देखिए, ये एक फैब्रिक लिया गया, वाइट फैब्रिक है। इस फैब्रिक में क्या किया हमें, ये एरिया है जहाँ पर कलर चाहिए, प्रिंटिंग एरिया, तो हमने सीधे सीधे वहाँ पे कलर अप्लाई कर दिया, या कलर फिल कर दिया। तो ये सबसे आसान और सबसे क्विक तरीका है, सबसे जल्दी होने वाला, डायरेक्ट स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग। ये कुछ एग्जांपल्स हैं डायरेक्ट के, जिसमें देख रहे हैं व्हाइट बैकग्राउंड पर कुछ कलर्ड जो लोकेशंस हैं उनमें कलर को फिल किया गया है और उससे डिजाइन क्रिएट किया गया है। रेजिस्ट स्टाइल में क्या होता है, रेजिस्ट का मतलब होता है रोकना, प्रतिरोध करना। तो जैसे हम कलर फैब्रिक पे अप्लाई कर रहे हैं, तो रेजिस्ट का काम क्या होगा कि कुछ जगह पर कलर को नहीं जाने देना। तो रेजिस्ट केमिकल जो होते हैं वो कलरेशन को रोकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पहले हम रेजिस्ट केमिकल को प्रिंट कर देते हैं सादे फैब्रिक पे, बेस फैब्रिक पे, और उसके बाद फैब्रिक को डाई कर देते हैं। तो जहां जहां पर हमने रेजिस्ट केमिकल अप्लाई किया हुआ है वहां वहां पर कलर नहीं चढ़ेगा, और बाकी जगह पे कलर आ जाएगा। तो ये भी एक प्रिंटिंग का इफेक्ट हो गया, यानी कुछ जगह पर कलर है और कुछ जगह पर कलर नहीं है। तो इसमें जो रेजिस्ट केमिकल होते हैं, वही बात, जो कलर को पिक नहीं करते। रेजिस्ट केमिकल जैसे कि वैक्स होता है, अगर आप वैक्स को पिघला कर और फैब्रिक पे पेंट कर देते हैं या प्रिंट कर देते हैं, या कोई और ऐसे केमिकल जो कलर को चढ़ने ना दें फैब्रिक पे, उनको प्रिंट कर दिया जाता है। और ये होता कैसे है, आइए देखते हैं। ये एक वाइट कलर का फैब्रिक है, इसको लिया गया। इसमें ये अनडाइड फैब्रिक है, यानी ये बेस प्लेन फैब्रिक है। इस पे ये हमारा एरिया है जहाँ पर प्रिंटिंग करनी है। इस एरिया पर हम सबसे पहले रेजिस्ट मटेरियल को अप्लाई कर देंगे, या वैक्स को इतने दूर में हमने भर दिया, ठीक है। भरने के बाद हम इसको डाई कर देंगे, डाई कर देंगे तो जहाँ जहाँ वैक्स होगा वहाँ पर कलर नहीं चढ़ेगा। उसके बाद हम रेजिस्ट मटेरियल को हटा देंगे। जब उसको हटा देंगे तो हमें कुछ फैब्रिक इस तरीके का मिलेगा, और इसी को हम कहते हैं रेजिस्ट स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग। तो स्टाइल का मतलब, हमें लोकलाइज्ड कलरिंग करनी थी, उसको अचीव करने को, उसको पाने के लिए, या लोकलाइज कलरिंग करने के लिए, ये एक तरीका हो गया, ये एक स्टाइल हो गया कि हम इस तरीके से लोकलाइज्ड कलरिंग कर सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि बाटिक होता है, बाटिक में वैक्स की कोटिंग की जाती है, और उसके बाद ये जो इसमें आप क्रैक्स के इफेक्ट देख रहे हैं, ये वैक्स के कड़ा होने की वजह से ही आते हैं, क्योंकि वैक्स थोड़ा हार्ड होता है, और जब इसको डाई करते हैं तो उसके क्रैक से भी कलर जाता है, इसलिए ऐसा इफेक्ट बनता है। तो ये बाटिक है। और टाई एंड डाई में क्या होता है, हम फैब्रिक को बांध देते हैं किसी एक निश्चित पैटर्न में, और बांधने के बाद उसको कलर में डाई करते हैं। तो जहां जहां पर बंधा होता है वहां पर कलर नहीं पहुंच पाता है, तो वहां भी रेजिस्ट होता है कि कलर वहां पर नहीं पहुंच रहा है। सो ये एक रेजिस्ट स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग हो गया। डिस्चार्ज स्टाइल में क्या होगा, इसमें पहले फैब्रिक को डाई कर देंगे।
डाई करने के बाद हम सिलेक्टेड एरिया से जहां पर आपको कलर नहीं चाहिए था वहां से हम कलर को रिमूव करेंगे। दो तरीके से होता है, व्हाइट डिस्चार्ज और कलर डिस्चार्ज। व्हाइट डिस्चार्ज में डार्क बैकग्राउंड पे व्हाइट कलर का मोटिफ या प्रिंट होगा, और कलर डिस्चार्ज में वहां पर वो कलर रिमूव होगा और नया कलर उसकी जगह आ जाएगा। ठीक है, व्हाइट डिस्चार्ज में सिर्फ डिस्चार्जिंग केमिकल होंगे और कलर डिस्चार्ज में डाई भी होगा। ये होता कैसे है, देखिए वही बात है। तो हम पहले केमिकल पेस्ट को इस पर प्रिंट करेंगे, फिर उसको सुखा के कलर वहां पर डेवलप करेंगे, और डेवलप करने के बाद जो प्रिंटिंग एरिया है वो व्हाइट कलर का हो जाएगा, और कलर डिस्चार्ज के लिए इसी में हम कलर को ऐड कर देंगे। तो ये प्रोसेस देख लीजिए कैसे होगा। ये अनडाइड फैब्रिक है, इसको हमने पहले डाई कर दिया। डाई करने के बाद ये प्रिंटिंग एरिया है, इस प्रिंटिंग एरिया पर हमने डिस्चार्ज केमिकल लगा दिए, और डिस्चार्ज केमिकल लगाने के बाद जब हमने इसको डेवलप किया या इसको सुखा कर प्रोसेस कर दिया, तो वहां से कलर उतनी दूर से डिस्चार्ज हो गया या गायब हो गया, तो ये व्हाइट डिस्चार्ज ऐसे प्रोड्यूस हो गया। और अगर हमें कलर डिस्चार्ज चाहिए तो उसकी जगह पर हम कोई पेस्ट में कलर डाल देंगे, जो वहां पर कलर में, जो पेस्ट में जो कलर पड़ेगा वो ऐसा होना चाहिए जो उस पेस्ट में स्टेबल हो, क्योंकि वो पेस्ट ऐसा है कि एक कलर को गायब कर रहा है। तो हम ऐसा कोई कलर यूज करते हैं जो उस सिचुएशन में या उन केमिकल्स के साथ स्टेबल हो। तो वो आगे डिटेल में हम लोग आगे चल के देखेंगे। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो व्हाइट डिस्चार्ज के हैं, जिसमें बैकग्राउंड व्हाइट है और जहाँ पे प्रिंट किया गया है वो लाइट कलर का हो गया। ये एक फैब्रिक है जो ब्लू वाला, इसमें आप देख रहे हैं कि कलर पूरी तरह नहीं गायब हुआ है और थोड़ा थोड़ा सा कलर रह गया। तो रजिस्ट में ऐसा होता है, जो सॉरी डिस्चार्ज में ऐसा होता है, जो डिस्चार्ज का केमिकल है वो कभी कभी पूरी तरह से कलर को नहीं रिमूव करता है, तो हल्का हल्का कलर वहाँ रह जाता है, वो भी एक इफेक्ट होता है, उसको पसंद किया जाता है। ये यहाँ पर जैसा शो किया हुआ है सबसे राइट वाली फिगर में, उसमें कलर को लगभग पूरी तरह से गायब किया गया है, तो ये व्हाइट डिस्चार्ज है। कलर डिस्चार्ज में देख लीजिए, जैसे कि फैब्रिक है, पहले डिस्चार्ज किया गया और उस पेस्ट में कुछ हल्का सा एक दूसरा कलर मिक्स किया गया है, तो वहां पर एक कलर डिस्चार्ज होके दूसरे कलर प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब तीनों की समरी देख लेते हैं। डायरेक्ट स्टाइल में क्या है, पहले फैब्रिक को तैयार कीजिए, फिर कलर पेस्ट तैयार कीजिए, पेस्ट से प्रिंट कर दीजिए, उसको सुखा के कलर को डेवलप कर दीजिए, और वॉश करके फैब्रिक आपका तैयार हो गया। दूसरा है रेजिस्ट स्टाइल। रेजिस्ट के केस में फैब्रिक को तैयार किया जाएगा और पेस्ट को प्रिंट कर दिया जाएगा, पेस्ट को प्रिपेयर करके पेस्ट को प्रिंट कर दिया जाएगा, फिर फैब्रिक को डाई कर देंगे। डाई करने के बाद रेजिस्ट केमिकल को हटा देंगे और वॉशिंग कर देंगे। डिस्चार्ज में क्या है, फैब्रिक को तैयार किया जाएगा, डाई कर दिया जाएगा पहले। रजिस्ट और डिस्चार्ज में यही अंतर है कि रजिस्ट में जो है प्रिंटिंग पहले होती है, डाइंग बाद में होती है, डिस्चार्ज में डाइंग पहले होती है और प्रिंटिंग बाद में होती है। तो हमने फैब्रिक को डाई किया, डाई करने के बाद डिस्चार्ज पेस्ट को प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद उसको सुखाया और डिस्चार्जिंग की प्रोसेस की, फिर डिस्चार्जिंग केमिकल को हटाकर वॉश कर दिया। तो ये देखा, ये तीन तरीके हैं जिनसे हम प्रिंटिंग कर सकते हैं, ये तीन स्टाइल्स हैं कलर को लोकलाइज्ड वे में अप्लाई करने के। मेथड और स्टाइल में कभी कंफ्यूज नहीं हो रहा है। मेथड का मतलब होता है वो तरीका, वो टेक्निक जिससे हम केमिकल को फैब्रिक के ऊपर अप्लाई करते हैं, लेकिन स्टाइल्स होते हैं जो हमें जो तरीका बताते हैं जिनके माध्यम से हम कहीं पर कलर देना चाहते हैं और कहीं पर कलर नहीं देना चाहते हैं। थैंक यू।